31 अगस्त को हाई कोर्ट ने श्रीनगर पुलिस को डायरेक्शन दी थी कि एक फैमिली ने जिसमें 24 डेज़ के बच्चे को अगवा कर लिया है, उसकी माँ से अलग किया है। एंड वो काफ़ी दिनों से था, जब 7th को बेबी बॉर्न हुई थी एंड 11th को ही उसको अपनी माँ से अलग कर दिया गया था। तो श्रीनगर पुलिस को डायरेक्शन मिली थी कि किसी भी तरीके से वो बच्चे को रिकवर किया जाए और माँ को हैंडओवर किया जाए। ऑन 1 सितंबर वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम द कंप्लेनेंट कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसकी बच्ची को उससे अलग किया गया है। तो निषाद पीएस निषाद में इसकी कॉग्निजेंस ली गई और 84/2021 केस रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शंस 315, 342, 343, 344, 345, 363, 364, 365, 498A, 506 IPC। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन ली गई काफ़ी जगह पे, ऑलमोस्ट वैली के हर डिस्ट्रिक्ट में रेड्स किए गए और अराउंड 20 घर सर्च किए गए बेबी को रिकवर करने के लिए। फाइनली आज 5 सितंबर को श्रीनगर से ही वो बेबी रिकवर किए गए हैं और अपनी फैमिली, अपनी मदर को हैंडओवर की गई है। इस केस में अक्यूज्ड फैमिली के ही मेंबर्स थे, उनके इन-लॉज थे कंप्लेनेंट के। 5 पीपल आर अरेस्टेड जिसमें जहूर अहमद शाह, राबिया शाह, शिबगतुल्ला, सफीकुल्ला एंड देयर मेड पोशा इज़ अक्यूज्ड एंड नाउ अरेस्टेड इन पीएस निषाद। सो अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें आगे क्या किया जाएगा। बाकी बेबी रिकवर करके मदर को हैंडओवर कर दिया मैम, गया जो है। ये एक्यूज्ड आपने पकड़े हैं, ये बेबी के क्या लगते हैं? दे आर ऑल रिलेटिव्स। बेबी को एक्चुअली उसके फादर और उसकी ग्रैंड मदर ने जस्ट 3 डेज़ ओल्ड बेबी को उससे अलग कर दिया गया था। दे वर क्लेमिंग कि मदर इज़ नॉट फिट टू रेज द चाइल्ड, तो इसके लिए वो उसको लेके चले गए थे एंड छुपा के रखा था। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की फैमिली की कॉपरेशन पाने की कि ताकि हमें जल्दी से जल्दी बेबी को रिकवर करके उसकी मदर के हवाले किया जाए। बिकॉज़ आई थिंक ये सबसे बड़ा गुनाह था कि एक छोटे से बच्चे को, 24 दिन के बच्चे को उसकी मदर से अलग किया गया था। बट फैमिली ने हमें कोई कॉपरेट नहीं किया इसके कारण, एंड प्लस वैली में इंटरनेट एंड मोबाइल टावर डाउन होने के कारण हमें 2-3 दिन लग गए बेबी को रिकवर करने में। फाइनली काफ़ी मुश्किल के बाद एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्ची मिल गई।